एक मुसलमान को बेरहमी से मारा और उसे कहा कि जय श्री राम बोलो। आप देख लीजिए कि देश भर में क्या हो रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के सर को मुंडवाकर, एक मुसलमान नौजवान के सर को मुंडवाकर उसे जय श्री राम के नारे बुलाने पे मजबूर किया, और कैसे हालात बन रहे हैं। नाज़रीन किराम, ये खबर जो है ये बड़ी दुखी खबर है, और कल से मैं सोशल मीडिया पे इसे देख रहा हूँ, और मैंने इस खबर को जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट भी किया और तस्दीक के साथ ही आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। एक मुसलमान नौजवान है जिसे बड़ी बेरहमी से मारा, जिसका सर मुंडवाया गया और उसे एक पेड़ के साथ बांधा गया, और उसके बाद उसे कहा गया कि आप जय श्री राम के नारे लगाओ, और उसे बहुत मजबूर किया गया, और उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि आपने मोबाइल फ़ोन चोरी किया है। हालांकि वो एक डिलीवेजर है और वो ये कह रहा है कि उसने ये फ़ोन चोरी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी उसके ऊपर जो है ये जुल्म ज़्यादती की है। अगरचे वो चोर भी है तो क्या चोर को सज़ा जो है वो एक आम इंसान देगा या चोर को सज़ा जो है वो कानून देगा? सबसे पहले कानून सज़ा देगा ना, तो कानून के हवाले करें, कानून से जो भी पनिशमेंट होगी वो सर इकबाल है, तो फिर खुद क्यों मारा पीटा, क्यों एक मुसलमान को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया? हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है, हिंदुस्तान उन मुसलमानों का जिन्होंने, हिंदुस्तान शाहनवाज खान जैसे मुसलमानों का है, हिंदुस्तान बेगमा आबिद जैसे मुसलमानों का है, हिंदुस्तान APJ अबू कलाम जैसे मुसलमानों का है, तो फिर क्यों मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से बेरहमी और अत्याचार डाया जा रहा है? क्या एक मुसलमान देश के अंदर हिफाजत में है? क्या एक मुसलमान के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल नकाबले कबूल है? इस मुसलमान नौजवान का नाम भी बताना चाहूंगा आपको, और ये वाकया जब पेश आया तो उसके बाद जिन लोगों ने इसके साथ ये बेरहमी से सलूक अख्तियार किया वो लोग आज़ादगी के साथ घूम रहे थे, उल्टा जो विक्टिम है जिसको मारा पीटा उसे पुलिस ने अंदर कर दिया। और ऐसे मामले जब भी पेश आते हैं ना तो दिल बड़ा रोता है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर देश के अंदर कुछ ऐसे अनासिर जो हैं वो आपस में हिंदू मुसलमान के दंगे और फसाद करवाएं। 14 जून को ये मामला पेश आया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा बुलंदशहर के अंदर ये आया है, यूपी के अंदर ये मामला पेश आया है। हालांकि यूपी के अंदर योगी जी की सरकार है तो उन्हें सोचना चाहिए मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों का भी इतना ही अधिकार है जितना हिंदू भाइयों का इस देश में है। ये मुसलमानों की भी कुर्बानी से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ पर मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, और यहाँ पर मुसलमान भी जो हैं वो आज भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना चाहिए। और दूसरी बात तो ये है, जो बड़ी बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, कि ये मामला जब पेश आया तो इसमें 3 नौजवान हैं जो बाइक पे आए और जिन्होंने इसे बड़ी बेरहमी के साथ मारा पीटा, और उसके बाद इस साहिल जो नौजवान है इसके साथ बेरहमी के साथ रवैया अख्तियार किया। हालांकि ये तीनों एक्यूज्ड जो हैं उन्होंने ज़बरदस्ती इसे जय श्री राम बोलने के लिए जो है वो मजबूर किया, और उसके बाद जो है वो इसके साथ बेरहमी से वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके इसे जो है वो पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की गई। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब साहिल पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने अपने पूरी बात को सामने रखा, तो उस वक्त में उसे जो है वो उल्टा अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि वो चोर है, बल्कि उन 3 अक्यूज्ड के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई जिन्होंने उसके साथ इस तरीके से रवैया अख्तियार किया। उसके बाद जो वहाँ के SP साहब हैं सिटी के, उनकी जानिब से जब ये वीडियो देखा गया तो उन्होंने जो है वो सपोर्ट किया उस विक्टिम को जिसके साथ ये रवैया अख्तियार किया गया है, और फिर उस विक्टिम के खिलाफ जो है वो उस विक्टिम ने जो कार्रवाई थी उसके खिलाफ जो है वो वक्ती तौर मामूल के मुताबिक कार्रवाई भी की गई है। तो मैं 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। जब विक्टिम की सिस्टर जिसकी उम्र 25 साल है जब वो पुलिस के पास गई, जब विक्टिम की मदर पुलिस के पास गई, उन्होंने जब पुलिस से गुहार लगाई कि हमारा बेटा बिल्कुल भी जो है वो इस मुलजिम नहीं है, वो इस चीज़ में नहीं है, बल्कि वो निर्दोष है, और उसके साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है ये गैर कानूनी है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस ने फिर उन 3 अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर कार्रवाई की। कार्रवाई जो है वो किडनैपिंग केस के मामले से की, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को के मामले से की, और कार्रवाई जो है वो इस रवैये में की गई कि इस शख्स की जानिब से जो है वो एक दर्ज की गई है अपनी शिकायत, और वो ये शिकायत है कि जिसके अंदर साफ अल्फाजों में ये कहा गया है कि एक आम इंसान के ऊपर जो रवैया अख्तियार किया गया है वो नाकाबिले कबूल है। तो नाज़रीन किराम, अगर इस तरीके के हादसात या वाक़यात जब पेश आते हैं तो दिल बड़ा दुखी होता है, इसलिए क्योंकि देखिए अगर आप मुसलमानों को ज़बरदस्ती जो है वो कहीं पर भी इस तरीके से मजबूर करेंगे कि वो जय श्री राम के नारे दें, या आप मुसलमानों को इस तरीके से मजबूर करेंगे कि मुसलमानों को जय श्री राम के नारे देने हैं,
तो ये नाकाबिले कबूल है, ये कभी भी जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा। और बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि यूपी पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं की, बल्कि यूपी पुलिस ने पहले उन तीन अक्यूज्ड को, जो अक्यूज्ड ने गुनाह किया है, उन्हें आज़ाद कर दिया और वो लगभग 2 दिन तक आज़ादगी के साथ घूमते रहे। और जो विक्टिम है जिसके साथ ये वाकया पेश आया, उसे गिरफ्तार कर लिया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई। अब बिलाखिर जब उसकी माँ, उसकी बहन पुलिस स्टेशन पहुंची, उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो मीडिया में वीडियो वायरल की, न्यूज़ चैनल्स को स्टेटमेंट दिए, तो जाके यूपी पुलिस ने कार्रवाई की। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना दिल दुखी होता है कि मुसलमानों के साथ इस तरीके से रवैया अख्तियार किया जाता है और मुसलमानों को इस तरीके से जो है वो हमेशा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा जो है वो आजादगी के साथ रहेगा। ये मुसलमानों का देश है, ये शाहनवाज खान का हिंदुस्तान है, ये इशफाकुल्ला खान का हिंदुस्तान है, ये एपीजे अब्दुल कलाम का हिंदुस्तान है, ये आबदा बेगम का हिंदुस्तान है। याद रखें, लाल किले पे आजादगी के टाइम, ब्रिटिशर्स की हुकूमत के टाइम में मुसलमान ने पहले तिरंगा झंडा लहराया था, शाहनवाज खान ने। और याद रखें, इशफाकुल्ला खान उस वक्त में ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जो है वो बागी बन सकते थे, वो उस वक्त में एक जो है वो बागी का रोल प्ले कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सच्चा मुसलमान और एक सच्चा नेशनलिस्ट का रोल प्ले किया है, इशफाकुल्ला खान। और इस धरती पे, इस जमीन पे मुसलमानों का खून भी बहा है, यहां पे मुसलमानों ने भी कुर्बानियां दे दी हैं। अगर नहीं है मालूम तो निकाल लें हिंदुस्तान की हिस्ट्री और पढ़ना शुरू करें, मालूम करें शाहनवाज खान कौन था, इशफाकुल्ला खान कौन था, आबदा बेगम कौन थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन था। और अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, योगी की सरकार के अंदर, यूपी के अंदर जो मुसलमानों के साथ रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है, वो कभी भी कबूल नहीं होगा। किसी भी मुसलमान को जबरदस्ती जय सलमान बोलेगा, नहीं बोलेगा मुसलमान, कभी नहीं बोलेगा। जब मुसलमान हिंदू भाई को जबरदस्ती नहीं करवाता है अल्लाह अकबर के लिए, तो हिंदू भाई कैसे जबरदस्ती करवा सकता है? मुसलमान की थी तो उसकी सजा उसे कानून दे सकता है, उसकी सजा एक आम इंसान नहीं दे सकता है। वो तीन अक्यूज्ड, वो तीन लोग, वो तीन शैतान जिन्होंने उसको बांधा और बांधने के बाद उसके सर को मुंडा और उसके बाद उसको बोला कि जय श्री राम के नारे लगाओ, क्यों क्यों लगाएगा? वो नहीं लगाएगा भाई। इस देश में मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानियां दी है, आज भी देश की सीमाओं पे, बॉर्डरों पे मुसलमान अपनी जानें दे रहे हैं। कैप्टन उमर फयाज को याद रखें, मुदस्सर बिंदास को याद रखें, उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, वो भी अपनी माओं के लखते जिगर थे, उन्होंने भी इस देश के लिए अपनी शहादतें दी हैं। और ये देश हिंदू और मुसलमान के खून से बना है, ना सिर्फ मुसलमान के खून से बना है और ना सिर्फ हिंदू के खून से बना है, बल्कि हिंदू और मुसलमान के दोनों खून जो है वो इस धरती के ऊपर गिरे हैं, और दोनों खूनों ने कुर्बानियां दी हैं, और दोनों कौमों ने जो है, दोनों कम्युनिटीज ने जो है वो शहादतें दी हैं। लेकिन अफसोस हो रहा है कि ये महात्मा गांधी जी का हिंदुस्तान था, इस हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को हिफाजत में महसूस करता था, लेकिन आज जब ये वाकयात पेश होते हैं तो क्या एक मुसलमान ये सवाल कर सकता है कि मुसलमान जो है वो देश में, हिंदुस्तान के देश में हिफाजत में है या नहीं है? कभी भी कबूल नहीं होगा, कभी भी इस चीज को कबूल नहीं किया जाएगा, नेवर, कभी भी नहीं होगा। इस देश में जितना एक हिंदू का एफर्ट है, या जिस देश के अंदर जितना एक हिंदू ने कुर्बानी दिया, इतना ही एक मुसलमान ने दिया, ये दोनों का है, और हम कभी नहीं कह सकते कि एक का है। और जो हुआ है ये नाकाबिले कबूल हुआ है, यूपी की पुलिस को इसमें सख्ती से रवैया अख्तियार करना चाहिए, और देश के वजीर आजम को चाहिए कि वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सेफ्टी बना के रखें। अगर ऐसे वह मामलात पेश आते रहे तो एक मुसलमान घबराहट महसूस करेगा, वो इस देश के अंदर रहने से डर भी सकता है। अगर उसे ऐसे जबरदस्ती दिन दिहाड़े 12 बजे दरख्तों के साथ बांधकर जय श्री राम के नारे बुलवाना शुरू कर दिया, तो ये चीजें तो कभी बर्दाश्त नहीं होंगी। और इन चीजों के लिए जो है वो देश के वजीर आजम को कहना चाहिए कि यहां पे सब लोग जो है वो हिफाजत में हैं। फिलहाल एक खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।